हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर सुबह के लगभग 7:30 या फिर 8 बजे से। तो घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, ऊपर नीचे की, उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर। तो मैं एकदम से सुबह उठते ही, अगर मैंने भिगो रखा है रात भर तो मैं सुबह उठते ही पी लेती हूँ उसको हल्का गुनगुना करके। अदरवाइज़ मैं सुबह उठते ही पहले 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं घर के छोटे मोटे काम, जो भी जैसे क्लीनिंग वगैरह करनी है या फिर मुझे उठते ही नाश्ता बनाना है तो मैं वो सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ, और फिर काम के साथ साथ बीच में या फिर उससे फ्री होकर मैं अपना डिटॉक्स वाटर ले लेती हूँ। 3-3 बच्चों के साथ गांव में कैसी होती है दिनचर्या, तो मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो जैसे ही मैं आ जाती हूँ अपना नहा धो के फ्री होकर, और बच्चे भी तब तक सो के उठ चुके होते हैं, बच्चों का नाश्ता वगैरह दोनों ट्विंस का मैं करा चुकी होती हूँ, तो मेरे ट्विन बेबीज़ अभी 21 मंथ के हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं, अभी वो 20 मंथ के हो चुके हैं, और मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी 5 साल का है। तो 3 बच्चों के साथ कैसी होती है मेरी दिनचर्या, तो यहाँ पर कन्नू जैसे ही सो के उठेगा, कन्नू मेरे बड़े बेटे का नाम है, तो वो जैसे ही सो के उठेगा उसको मैं हल्का गुनगुना पानी ऑफ़र करती हूँ, उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होता है, उसको नहलाना धुलाना या फिर उससे पहले मैं उसको 1 ग्लास दूध, आधा ग्लास ही वो पीता है, 1 ग्लास तो खैर नहीं पीता, आधा ग्लास के आसपास दूध। और यहाँ पर मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि साथ ही साथ नाश्ते में क्या बनाया था। और उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ लंच की। समटाइम्स लंच की कुछ प्रिपरेशन अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाती है, समटाइम्स मैं काम बच्चों से फ्री होकर, जैसे कि बच्चों को नहलाना धुलाना, बच्चों का खाना पीना, क्योंकि बच्चों को भी ना उठते ही भूख लगती है, और मैं ज़्यादा बच्चों को ऐसा नहीं करती कि मैं उनको एवरी टाइम दूध की बॉटल देती रहूँ या मैं उनको हर बार दूध ऑफ़र करती रहूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो वैसे सब बोलते हैं कि दूध पिलाया करो बच्चों को, ये करा करो, लेकिन बच्चों को संतुलित आहार मेरे ख्याल से बच्चों को देना चाहिए। तो बच्चों को दूध के साथ साथ बच्चों को जो भी दालें हो गई, अनाज हो गया, या फिर जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं, दलिया जो भी इनको आंगनवाड़ी से भी मिलता है, दाल दलिया, तो मैं वो चीज़ें बच्चों को ऑफ़र करती हूँ, और दिन में 1 मील तो मैं इनकी अलग से बनाती हूँ, अदरवाइज़ जो भी घर का खाना, जो भी हम सब खा रहे होते हैं, वो ही मैं बच्चों को हैबिट डालने की कोशिश कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट ये हैबिट इनको डल भी चुकी है। वैसे तो हर एक माँ अपने बच्चे के लिए ना अपना 100% करती है, बेशक से ना सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ना वो अपना ना बेस्ट करने की कोशिश करती है। तो मेरा भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, और दिन में जैसे आराम करना होता है ना, जैसे आराम कर लेते हैं दिन में, थोड़ी झपकी ले लेते हैं, वो भी नसीब नहीं होता बच्चों के साथ, क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर कुछ ज़रूरी काम निपटाने होते हैं घर के, और फिर ऐसा भी नहीं कि तीनों बच्चे एक साथ एक ही टाइम पर सो रहे हों, जैसे कि 2 बच्चे सो गए तो एक बच्चा उठा रह गया। स्पेशली जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो दिन में बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि वो सोता हो, नहीं तो वो नहीं सोता है दिन में। और एवरी टाइम हम बच्चों को ना फ़ोन्स वगैरह भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी बच्चों के लिए बहुत गलत है। हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ही हमको सब कुछ सिखाते हैं, किताबी नॉलेज से हमारी जो लाइफ है वो नहीं चलती, तो लाइफ के एक्सपीरियंस से ही हमको जीवन जीने की ना सीख मिलती है। तो लाइफ को अगर मैं जैसे अब मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ तो देखती हूँ कि हाँ लाइफ कैसी थी पहले, और जब कन्नू के टाइम पे ना मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो इसलिए वहाँ उस टाइम की कुछ मेमोरीज़ नहीं है मेरे पास, हाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो अभी व्लॉगिंग भी ना एक अपने आप को आप ये कह लो कि अपने एक्सपीरियंस से सीखने का, जो सीखने की जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, तो मेरे लिए व्लॉगिंग वो है। तो मेरे लिए ये जो चीज़ मुझको सेटिस्फाई करती है, मेरे को हैप्पी फील कराती है, मेरे लिए वो बेस्ट है। तो कन्नू बहुत ही ज़िद कर रहा था कि मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम बनाओ, तो बाहर की आइसक्रीम से तो अच्छा है कि मैं इसके लिए घर पर ही बना दूँ, तो मैं यहाँ पर इसके लिए आइसक्रीम रेडी कर रही थी।
पता नहीं मैंने इसमें इस व्लॉग में आगे रेसिपीज़ वगैरह शेयर की है कि नहीं, लेकिन बहुत इजी है। जैसे मैंने बनाई मैं वो बता देती हूँ आपको। तो दूध लेना है, दूध को अच्छे से बॉयल करना है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर कन्नू के लिए सैंडविच भी बन रहे हैं। सैंडविच का कुछ ऐसा है कि मैं इसके लिए एवरीडे, ऐसा नहीं कि मैं सैंडविच बनाती हूँ या कुछ, हर दिन का नाश्ता देखो अलग होता है, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ता है। जब बच्चा सब्जियाँ नहीं खाता तो हमको दूसरे ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये है, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा अगर बच्चा 15 दिन में एक दिन भी अपनी पसंद का खाना खा रहा है, सैंडविच खा रहा है या फिर मैगी भी खा रहा है, घर का खा रहा है ना, तो वो मैं ठीक समझती हूँ। बाकी जो बाहर का जो जंक फूड होता है, बाहर का खाना जो होता है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए। मैं तो खैर खाती नहीं हूँ, बहुत ही रेयर होगा कि मुझे बहुत पसंद हो और मैं खा लूँ, मैं नहीं खाती हूँ। तो बच्चों के लिए भी मैं अवॉइड करती हूँ, बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। मतलब हमको शॉर्ट टाइम में नहीं पता चलता, थोड़े समय में, कि क्या नुकसान कर रहा है। बस ऐसे बोल देते हैं हम लोग, अरे कुछ नहीं होता, बच्चे हैं, सब चीज़ खाने दो बच्चों को। लेकिन आगे जाके मतलब कौन सी चीज़ कब नुकसान कर जाए बच्चे को, और फिर ये हैबिट भी बहुत गलत है बाहर की चीज़ खाने की। फिर बच्चा ना हमेशा बाहर का खाने की सोचता है, फिर वो चीज़ें उसको आगे जाके नुकसान करती है। मैं ऐसे समझती हूँ कि एज ए मॉम, ये पेरेंट्स ही कह लो आप, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के अंदर कुछ अच्छी आदतें डेवलप करें, और उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो देखो हमारी होती है। अगर कोई बच्चा दिखने में पतला लग रहा है या फिर वो हेल्दी मतलब मोटा नहीं लग रहा, पतला लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी किसी भी बच्चे को जज नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर एक्टिव है तो मैं समझती हूँ कि वो हेल्दी है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, पता नहीं मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी आपको। तो ये तो मैंने बता दिया। तो मैं यहाँ पर लंच भी रेडी कर रही हूँ, दाल वगैरह बन गई है, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ ही साथ रोटी भी बना लूँगी। हाँ, मैं बात कर रही थी आपसे आइसक्रीम की, तो मैं आइसक्रीम की रेसिपी आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे कन्नू के लिए आइसक्रीम बनाई है। तो ये यहाँ पर दाल में तड़का लगा दिया, भिंडी साथ ही साथ बन रही है, और कन्नू जिद कर रहा था मम्मा आइसक्रीम बनाओ, मम्मा आइसक्रीम बनाओ। तो मैं ना मिल्क पाउडर लेकर आ गई थी, तो मिल्क पाउडर रखा ही हुआ था हमारे घर पे, तो मिल्क पाउडर और जैसे मैं सैंडविच बना रही थी तो ब्रेड थी, ब्रेड भी बची हुई थी, तो उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। ब्रेड को 3 से 4 ब्रेड भी बहुत है, या फिर सूखी ब्रेड भी रखी है तो उसका चूरा जैसे बना लिया, मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। अगर वो भी नहीं है तो रस्क वगैरह जैसे होते हैं घर में, पापे होते हैं, उनको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, तो दूध लेना है, दूध आप कितना भी अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे आपको एक आइसक्रीम बनानी है या फिर दो, वो तो इतना अंदाज़ा हमें होता है कि हमें कितना दूध लेना है, तो दूध ले लेना, उसको अच्छे से बॉईल करते रहना, और साथ ही साथ उसमें मिल्क पाउडर भी आप डाल सकते हो, उसी के साथ साथ ही आप डाल सकते हो मिल्क पाउडर। मेरा ऐसा था कि जैसे दूध कम था तो मैंने पहले मिल्क पाउडर का दूध बनाया अलग से, फिर मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया, फिर मैंने उनको अच्छे से बॉईल होने दिया। बॉईल करती रही, वो जब थोड़ा सा थिक हो गया उसके बाद मैंने उसमें चीनी डाल दी, और चीनी डालने के बाद जो भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था ब्रेड का चूरा, वो मैंने उसमें डाल दिया, तो ब्रेड क्रम्स बोलते हैं उसको, तो मैंने वो डाल दिया। तो पहले मैं वैसे मैंने लंच वगैरह बनाया था, उसके बाद मैंने आइसक्रीम का जो अपना प्रोसेस था वो शुरू किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाले जो आइसक्रीम मोल्ड है ना, ये मैंने लिए थे मॉल से, लिए थे ये वाले मैंने, और एक और है वो आप देखोगे अभी आगे वीडियो में। तो ये दूध है, इतना दूध था, और ये यहाँ पर ये इतना आधी कटोरी के आसपास मिल्क पाउडर था, ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए थे, और बस कुछ नहीं है, वही सिंपल प्रोसेस मैंने जो आपको बताया वैसे मैंने आइसक्रीम बनाई। और गाइस सच में बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी थी। और ये कन्नू ने ना यहाँ पर जैसे बच्चों को होता है ना बर्फ़ खाने का बहुत चाव होता है बच्चों को, तो ये इसने इसमें बर्फ़ जमाने के लिए रखा होता है। लेकिन हम मतलब यहाँ पर गाँव में लाइट इतनी कम आती है ना, बहुत ही एक टाइम होता है, एक रूटीन होता है कि भाई इतने से इतने टाइम तक लाइट आएगी, और आइसक्रीम जमाने के लिए, बर्फ़ वगैरह जमने के लिए ना लंबा टाइम चाहिए होता है। गाइस गर्मी में तो हालत ख़राब हो रही है, इतने पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने ना गले में जो भी कुछ पहना होता है सब उतार के पहन दिया, और आज मैंने अपने बाल वॉश किए थे, बट अभी तक काम कर रहे। तो अच्छे से यहाँ पर दूध को उबाल लिया, उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिए थे ब्रेड क्रम्स, और
थोड़ा सा दूध निकल गया था उबलती बार, बस आपको चलाते रहना है दूध को। बर्तन वगैरह आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मुझे देखो थोड़ी सी आइसक्रीम यहाँ पर बनानी थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैं ट्राई कर रही थी। और अगर आपके यहाँ पर लाइट अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से जम जाएगी। तो मेरी आइसक्रीम तो देखो इतनी अच्छे से नहीं जमी थी क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू था, बट खाने में बहुत ही टेस्टी थी। आप ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से, ब्रेड क्रम्स की आइसक्रीम, या फिर आपके घर में पापे वगैरह बच रहे हो तो वो। और साथ में ना मैंने इसमें ऊपर से चॉकलेट भी डाल दी थी, आप देखना बाद में चॉकलेट बची हुई थी, या फिर आप बाहर से चॉकलेट भी मंगा सकते हो, वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा। तो मैंने वो डाल दी थी ऐसे ही फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज होने के लिए। और गाइस जैसे तीन बच्चे हैं मेरे, तो तीनों बच्चों ने आइसक्रीम बहुत चटकारे लेकर खाई। चीनी इसमें अच्छे से डाल देना आइसक्रीम में, क्योंकि आइसक्रीम जब मीठी मीठी होती है ना, ठंडी मीठी, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और तो खाने के बाद आइसक्रीम का खैर मज़ा ही कुछ और है। तो अगर जैसे वो पूरी तरह से जमी भी नहीं ना, जैसे लाइट का अगर इशू है यहाँ पर, जमी भी नहीं पूरी तरह से, तो भी वो बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे रबड़ी जैसी लग रही थी बिल्कुल खाने में, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आप ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट करके कि कैसी बनी। बाकी यूट्यूब पर तो देखो बहुत सारी रेसिपीज़ है आइसक्रीम की, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो कन्नू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और तो कन्नू इतना एक्साइटेड हो रहा था कि बार 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 आ रहा था मेरे पास। तो थोड़ा सा जैसे वो ज़्यादा गर्म तो खैर था नहीं, लेकिन थोड़ा सा गर्म था बच्चे के हिसाब से, तो वो उसके हाथ में लग गया। और मैं भी फिर एकदम से पैनिक हो गई, मैंने कहा क्या हो गया, चलो इसको वॉश करके आओ। तो गाइस ये ना मैंने इसमें डाल दी चॉकलेट। कन्नू दिखाना कौन सी चॉकलेट है। 5 स्टार। कौन सी वाली? 5 स्टार वाली। अब मैं इसे चलाऊंगी। ये चॉकलेट ना मुझे गरम दूध में डालनी चाहिए थी, अभी ये ठंडा हो चुका है, पर जैसा भी है मैंने डाल दिया इसमें। अभी गर्मी इतनी हो रही है तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। सो गाइस अभी कुछ नहीं करना, बस मैं इसको मोल्ड में डालूंगी और बन जाएगी आज हमारी आइसक्रीम। कन्नू आर यू एक्साइटेड? लेकिन कन्नू कब तक खा पाओगे, इसे जमने में टाइम लगेगा। तो ये वाले जो ब्लू वाले आइसक्रीम मोल्ड है, ये मैंने मंगाए थे मीशो से, बहुत ही सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, 150 अराउंड या फिर 200 के आसपास होंगे। और आप देख सकते हो कन्नू कितना एक्साइटेड है। तो इन सब चीज़ों में ना हम अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, गैस वगैरह से दूर रखना है बच्चों को। जैसे अगर हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गैस वगैरह का यूज़ नहीं है, तो उसमें हम अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। सो ऐसा करते करते ही मैं आपके साथ ना दिनचर्या शेयर करने वाली थी, और ये व्लॉग कहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है। तो ये दोपहर तक का रूटीन ही ऑलमोस्ट यहाँ पर आप इस व्लॉग में देख पाए हो। तो अभी कुकिंग वगैरह हो गई है, खाना पता नहीं मैंने अब तक नहीं खाया, खाना नहीं खाया मैंने अब तक। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर अब आराम से बैठूँगी और फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। और इसके बाद ये यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई। तो मैं चाय कितनी बार ले रही हूँ वेट लॉस का, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, तो सुबह की चाय मैंने नहीं पी थी आज, तो मैं ये अब चाय ले रही हूँ इधर यहाँ पर। ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना गुड़ डाल लिया है, बहुत ही थोड़ा सा। और ये दोनों बच्चों की नैप हो गई है दोपहर की ख़त्म, मैं भी शायद इनके साथ सो गई थी, तो ये अभी इनकी दोपहर की नैप, और फिर उसके बाद दोनों को ये है दोनों को एक साथ ही दूध पीना है, तो दोनों को मैं एक साथ दूध दे दूंगी यहाँ पर। और गाइस यही था मेरे आज के व्लॉग में। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिशू गार्गी को अप्पा कर लो, छिच्ची है गार्गी वो।